नमस्कार, मैं हूं अनीशा गुप्ता और बात करेंगे आज सोने की। सबसे पहले क्योंकि 70,000 से बहुत दूर नहीं है अब प्राइसेस ऑल टाइम हाईस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में फिलहाल सोने के प्राइसेस। अब यहां से भाव कहां जा सकते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, मुनाफा कमाना चाहिए, इन सब पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर भी लगातार तेजी है। हमने पिछले महीने पिछले क्वार्टर यहां पर बढ़त आते हुए देखी है, अब यहां से इस पर क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही साथ बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बनेंगे हमारे गेस्ट। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी RBI कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में RBI की पहचान, उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को RBI की स्थापना के 90 ईयर्स की बधाई देता हूं। और इस समय जो लोग RBI से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे RBI के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है, और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है, RBI को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। मैं RBI को उसके लक्ष्यों और संकल्पों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, हमारी GDP काफी हद तक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। NPA को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की, और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और
क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में दृढ़ता थी, ईमानदारी थी। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है, जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। इन शॉर्ट, मैं यही कहना चाहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, यह अपने आप में एक स्टडी का विषय है। हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। हमारी सरकार ने रिकग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया। पब्लिक सेक्टर बैंक के हालात सुधारने के लिए सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया और साथ ही गवर्नेंस संबंधी कई रिफॉर्म्स भी किए। अकेले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब 3.25 लाख करोड़ के लोन्स रिजॉल्व हुए। और एक आंकड़ा देशवासियों को जरूर जानना जरूरी है, 27,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था, वो आईबीसी में एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 2018 में 11.25% के आसपास था, तो वो हमारा धमाकेदार वीकेंड था जहाँ पर ऑफकोर्स इब्जा का एक कॉन्फ्रेंस था और काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड से यहाँ पर CNBC को नवाजा गया है, चाहे वो बेस्ट प्रोफेशनल है, कमोडिटी एडिटर है या फिर हिंदी बिजनेस चैनल है। एंड क्लियरली इब्जा का शुक्रिया और काफ़ी सारे व्यूअर्स जो वहाँ पर सपोर्टिव थे, आप भी यहाँ पर सपोर्टिव हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो CNBC आवाज़ तो ऑन हाई है ही, लेकिन सोने की अगर बात करें तो ये भी ऑल टाइम हाइज पर है। और हमारे साथ और बेहद इंटरेस्टिंग पैनल यहाँ पर जुड़ रहा है जो आपको बताएगा कि यहां से अब सोने के प्राइसेस कहां जा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और ये जो इतनी बड़ी रैली है इसे आप कैसे यहां पर मुनाफा कमाएं। हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन सैयम मेहरा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन से सुरेंद्र मेहता एंड मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्वार्टर में जिस तरह के ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं, इस क्वार्टर की शुरुआत ऑन अ हाई हुई है।
2250 यानी 2260 के भी यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। एक वन टाइम वन वे सर्ज यहाँ पर है। चिराग, आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं इतनी ज्यादा तेजी की बाजार को एक्सपेक्टेशन थी सेकेंड हाफ तक, एंड ऑफ 2024 तक, लेकिन 2260 पे हम ऑलरेडी बैठे हैं, 2300 से सिर्फ $40 की दूरी, और जिस तरह से $40, $50, $60 एक एक दिन में निकलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से क्या सेंस है? बिल्कुल मनीषा, पहले तो कांग्रेचुलेशन कह सकते हैं। देखिए, जैसे मेरी और आपकी बात हुई थी साल के शुरुआत में, तब ये था $2300 शायद सेकंड हाफ में आएंगे, जब जून से रेट कट्स की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद मार्केट में काफी हद तक तेजी आ जाएगी। अब ये हो गया कि बहुत सारे फैक्टर्स जो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड थे प्राइस को सपोर्ट करते हुए, वो सारे प्राइसिंग हो रहे हैं इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में। आप देखिए, गोल्ड के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये जो थोड़ा बहुत रन अप है शायद थोड़ा बहुत मैं कहूंगा अहेड ऑफ फंडामेंटल्स है। आज देखिए, जैसे इंटरनेशनल मार्केट बंद है ईस्टर मंडे की वजह से, तो भी हमने दिखाया कि ट्रेड में $20-25 की मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है। तो थोड़ा बहुत अब मार्केट एक नए टेरिटरी में चले गया है, थोड़ा मेरे हिसाब से ओवर प्राइस हो गया है। मैं कहूंगा वेट करना होगा एक करेक्शन के लिए, फिर वापस से $2300-2400 की छलांग मार्केट लगा सकते हैं। 2024 तक प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले करेक्शन की जरूरत है। सुरेंद्र मेहता जी, आप कैसे देखते हैं? और जैसे चिराग ने कहा, अहेड ऑफ फंडामेंटल्स है, डॉलर इंडेक्स एक महीने के हाईज पर है, उसके बावजूद यहां पर खरीदारी है, और जिस तरह की खरीदारी है कोई ऐसा सडन स्पर्ज या रीजन नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तेजी है। और मुझे याद है आपने पिछली बार सुरेंद्र जी कहा था कि शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट स्क्वीज है, अभी भी लॉन्ग्स हमने फ्रेश शायद यहां पर इतने स्ट्रांगली बनते हुए नहीं देखे। अब जिस तरह की बढ़त है, कैसे आप इसको एनालाइज कर रहे हैं? निशा जी, सबसे पहले तो आपको, अनुज जी को और आपकी पूरी टीम को इतने सारे अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वर मोस्ट डिजर्विंग अवार्ड्स। जहां तक सोने चांदी की बात करें, तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये शॉर्ट स्क्वीज है और ये रैली कंटिन्यू हो रही है। मैं आपको बता दूं कि सारे चार्ट फेलियर हैं। जो सबसे बड़ा मुझे कंसर्न है वो ये है कि आज भी यूके यूरोप के अंदर बैंक वहां पर मार्केट हॉलीडेज हैं, बैंक हॉलीडेज हैं, तो आज भी वहां पे किसी प्रकार का ट्रेड नहीं होगा, तो वहां पर आज भी लोग ट्रैप होने वाले हैं। आज हमने सुबह ही देखा कि $20 से $40 के लगभग $40 का इजाफा प्राइस में हो गया। तो इसी प्रकार जब ये मार्केट खुलेंगे, तो जब शाम को यूएस खुलेगा, तो वहां पर भी इस प्रकार के मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है। जो सबसे बड़ा मुझे डर लग रहा है वो ये है कि यदि गोल्ड दर बदर 15% 16% साल का रिटर्न देने लगा, तो क्या वो कमोडिटी रह जाएगी? ये सबसे कंसर्न है। और जो चीज कमोडिटी नहीं रहती है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर हो जाती है तो वो उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो गोल्ड में सबसे बड़ा ये कंसर्न है, हमारी पूरी इंडस्ट्री को कंसर्न है, पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को कंसर्न है। मुझे तो अब भी लगता है कि ये रैली बरकरार रहने वाली है, और शायद हमें एक आध हफ्ता और वेट करना पड़ जाए प्राइजेस को नीचे आते हुए। मैं मानता हूं कि शायद 5-6 अप्रैल के बाद ही कुछ इसके अंदर मुझे कोई करेक्शन की उम्मीद नजर आती है। लोगों को बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा करके हमने हमारे मार्केट में देखा है या यहाँ पर कि लोग बिल्कुल ओपन पोजिशन रखते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उन सबके लिए बहुत ही कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। मैं चिराग से भी सहमत हूँ, वन नीड्स टू हैव अ कंप्लीट कॉशियस अप्रोच बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। की जी हाँ, जिस तरह का ये बाजार है, ऑफकोर्स अगर आपके पास यहाँ पर सोना है तो बहुत अच्छी बात है। जो ओपन मार्केट में ओपन पोजीशंस के साथ हैं, उनके लिए थोड़ी सी कंसर्न यहाँ पर रह सकती है, और जो नया खरीदना चाहते हो उनको भी शायद कुछ थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ करेक्शन अब यहाँ पर बाजार बनता हुआ नजर आएगा। संयम, आप कैसे देखते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर गोल्ड में आते हुए देखी है, एक तो आपसे प्राइस व्यू लेना चाहेंगे ही, लेकिन इसका बिजनेस पे अब क्या इम्पैक्ट है? मनीषा जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अवार्ड्स के लिए। और मुझे लगता है कि जो मार्च का महीना था वो तो व्यापार के लिए वैसे ही स्लो था, एमएसएमई के कुछ लॉज आए हैं, और फिर भी 31st के पहले लोग अपनी बुक्स क्लोज करते हैं। लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है, ये अचानक से $40 बढ़ा है, अभी भी इसके अंदर स्टीम है। $2320 तक एक टेक्निकल रेजिस्टेंस इसके अंदर आएगी, उसके बाद आएगी जो 18 अप्रैल के तक, ये मुझे लगता है तेजी का माहौल रहेगा,
उसके बाद ही सोने के भाव हैं वो कुछ कम हो सकते हैं। जो रशिया की वॉर हो रही है वो भी इंटेंसिफाई हो गई है, टेक्निकल्स में बुल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से गोल्ड के रेट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। जो अभी कस्टमर एंड कंज्यूमर समझ गया है कि जो रेट्स हैं ये रेगुलरली ऊपर जाते रहेंगे, अभी 71-240 का रेट है इंक्लूडिंग GST, उसके बाद धीरे धीरे 70-73 तक जाएगा और अगर नीचे भी आएगा तो 68-69 के आसपास से ही रुकेगा। तो मुझे लगता है कि बाइंग वापस अप्रैल के अंदर अभी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। मार्च काफी स्लो रहा लेकिन अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा और साउथ में उत्तरायण के वजह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बाइंग अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि सोना कि कभी सस्ता हो जाएगा, सोना धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और पहले एक सोच बनी थी कि गोल्ड को लोग अपने पोर्टफोलियो में 10-12% रखते थे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सोच ऐसी बन जाएगी कि 15-18% तक भी एंड कंज्यूमर अपने पास सोना अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हेजिंग या सट्टे के हिसाब से इसके अंदर कॉशियस रहने की जरूरत है, $2320 के बाद तक सोना बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा मंदी का माहौल 18 अप्रैल के बाद आ सकता है। ओके, ये तो बात हुई प्राइसेस की, जहां पर सभी मानते हैं कि भावों में तेजी ही देखने को मिलेगी। नियर टर्म थोड़ी सी हॉट मार्केट हो चुकी है, कुछ करेक्शन का यहां पर इंतजार करना चाहिए अगर आप नए खरीदार यहां पर हैं। एक माय सेकंड राउंड ऑफ जो क्वेश्चनिंग है, संयम आपसे शुरू कर लेते हैं, बिकॉज आप एक मैन्युफैक्चरर भी हैं, बिजनेस में भी हैं, जिस तरह की उठापटक है, काफी पोजिशन यहां पर ओपन भी रहती हैं, और ये बात भी हम लोग सब टॉक कर चुके हैं कि मार्च का महीना काफी बुरा था, 70-80-90% तक की गिरावट शायद हमने यहां पर रिटेल खरीदारी या फिजिकल बैंक में आते देखी है। एज बिजनेस किस तरह का अप्रोच है आपका, समझिए नीचे में अगर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है यहां से $100 ऊपर में से और $100 यहां पे बढ़ जाता है, आप कैसे देखते हैं इसको, आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए काफी रिटेलर्स हैं जो अनफिक्स में भी ज्वेलरी खरीदते हैं, अनफिक्स में डिलीवरी ले लेते हैं, उसके बाद रेट बाद में काटते हैं और इसकी वजह से काफी लॉसेस हुए हैं उनको कि बुकिंग के अंदर। लेकिन मेरी यही सबको रहेगी सलाह कि जब भी बाइंग करें वो बुक करके करें, एंड कंज्यूमर को भी काफ़ी जो रिटेलर्स हैं वो ऑफर देते हैं कि आप इसके रेट्स को ओपन रख सकते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यही सोच मैं सबको बताना चाहूँगा कि कभी भी ज्वेलरी बाय करें उसके रेट पहले से फिक्स कर ले, अगर 11 मंथ की स्कीम के अंदर भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर भी बाइंग करते हैं तो अपने गोल्ड के रेट को फिक्स करके ही आगे बाइंग करें, ताकि उसके रेट का जो बढ़ने का है उसका फायदा ले सके। जैसे मैंने बताया मार्च के अंदर थोड़ा बिजनेस कम था, लेकिन अप्रैल के में जितने त्योहार हैं उसके वजह से लोग बाइंग करना चालू कर देते हैं। जो ज्वेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी 1.5 महीने का टाइम मिला अपने इनोवेशंस करने का। अप्रैल के अंदर काफी एग्जीबिशंस हैं जिनके अंदर रिटेलर्स बाय करेंगे ज्वेलरी, और एंड कंज्यूमर्स को डिफरेंट ज्वेलरी, डिफरेंट लाइट वेट ज्वेलरी या ब्राइडल की जो ज्वेलरी आती है शादी के लिए वो भी डिफरेंट ज्वेलरी उसको देखने को मिलेगी। तो सबने अपनी तैयारी पूरी की है, बिजनेस चल रहा है, सोना थोड़ा बड़ा भी है तो हो सकता है रुपी टर्म्स के अंदर सेम वैल्यू रहेगी लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर थोड़ा घट जाएगा। एब्सोल्युटली, सो वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है, वैल्यू ऑफ कोर्स यहां पर बरकरार रहने की एक्सपेक्टेशन है। सुरेंद्र जी, अब तेजी तो आपने कहा यहां पर देखने को मिलेगी, आप सब ये भी कह रहे हैं कि करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। आई नो बाजार काफी अनसर्टन है, लेकिन यहां से अब रेंज क्या बन सकती है इस साल के लिए, जो लोग नया पैसा इसमें डालना चाहते हो, एक्सचेंज भी करना चाहते हो, नया भी खरीदना चाहते हो, क्या रेंज लेकर चलें? देखिए इस साल ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, हमें एक $150-$200 का करेक्शन दिख सकता है। okay. लेकिन करेक्शन इतना तेजी से आएगा कि उसमें गिरावट इतनी तेज होगी कि वहां पर एंट्री करने के लिए लोगों को डर लगेगा। लेकिन विथ एवरी $150-$200 फॉल देर विल बी अ फर्दर राइज, जो एक ज्यादा राइज होगा, क्योंकि यदि आप देखें डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, बॉन्ड यील्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, उसके बावजूद भी गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये जो फेड का इंटरेस्ट रेट का है, ये सारे फैक्टर्स तो इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत जबरदस्त बाइंग कहीं ना कहीं पर चाइना या रशिया जैसी कंट्री में हो रही है, इसी की वजह से गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और यदि हम आगे के फ्यूचर रणनीति को देखें, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसराइल हमास का या रशिया यूक्रेन का या जो मिडल ईस्ट के टेंशन है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जाएंगे। एवरी डिप पे यदि कोई एग्जिट हो सकता है शॉर्ट सेल वाले, तो उन्हें जरूर एग्जिट हो जाना चाहिए नई पोजिशन बनाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बहुत मार्केट को एक सेटल होने दीजिए, क्योंकि यदि रोज $40-50 का मूवमेंट आया तो वो मार्केट से दूर रहना ज्यादा अकलमंदी।
एब्सोल्युटली. चिराग, ये सवाल आपके लिए है. लास्ट ईयर सेम टाइम पे 56,000 के भाव थे, ऑलमोस्ट 70,000 पे हम यहाँ पर खड़े हैं. आई मीन, बहुत सालों के बाद ऐसे ऐसे ये बोलने का मौका मिल रहा है कि एक साल में इतनी ज्यादा बड़ी तेजी है. तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर खरीदा, आई मीन एब्सोल्युटली लाफिंग टू द बैंक हियर. आपको क्या लगता है किस तरह की बाइंग आ सकती है, और जैसे जो हम MSME का जो रूल्स चेंज है, क्या उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पर ट्रेड पे? देखिए मनीष, यहाँ पे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज है. एक्चुअल एक्टिविटी मेरे हिसाब से शायद इतनी, जैसे संयम भाई ने कहा कि काफी सारे शोज हो रहे हैं, ऑल्सो जो रिटेल चेन स्टोर है ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं. एक्चुअली जो डिमांड इम्पैक्ट होगा वो कंज्यूमर लेवल पे होगा, क्योंकि हमने पिछले 10 साल में जरूर देखा है कि लाइट वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. और अगर सोने के दाम ये 65,000 से 70,000 के आसपास बरकरार रहते हैं, तो अगले 1-1.5 साल में हम वहां पे भी और ज्यादा लाइट वेटिंग देखेंगे. तो 18 कैरेट की मार्केट शेयर बढ़ जाएगी, 14 कैरेट की मार्केट शेयर बढ़ जाएगी. जो एवरेज टिकट साइज है जो आज 12 से 14 ग्राम है, वो शायद 10 से 12 ग्राम पे आके अटक सकता है. तो ये सारे चेंजेस आते हुए शायद 1-1.5 साल में दिखाई जरूर दे सकते हैं. सुरेंद्र जी, किस तरह का एक्सचेंज मार्केट अब यहाँ पर बनता हुआ लग रहा है? क्या लोग एक्सचेंज, तो हम जानते हैं कि बड़ा ही है यहाँ पर टनेज के हिसाब से, लेकिन क्या लोग बेचने भी आ रहे हैं? जब जब ये हम इब्जा के सेमिनार में थे तो बात ये हो रही थी कि रिसाइकल गोल्ड बाजार में काफी यहाँ पर आ रहा है, टनों के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर आता हुआ देखा है. तो क्या नंबर्स हैं वो? 31 मार्च तक तो इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि लोगों को टैक्स का डर रहता है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, वहां से काफी बिकवाली जो पुराने सोने की है वो मार्केट में आएगी, और हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इस साल हम रिकॉर्ड रिसाइकल देखने वाले हैं. और यदि मैं तो यही कहूंगा कि यदि आपको पैसे की जरूरत है, आप एग्जिट हो सकते हैं, तो एग्जिट चाहिए गोल्ड के प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ से आपको करेक्शन जरूर मिलेगा. देखिए, गोल्ड कोई गोल्ड का जो मैंने कहा जो रिटर्न है वो हमेशा हमने देखा है कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसमें काफी करेक्शन आता है. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें करेक्शन नहीं आया. एब्सोल्युटली काफी मुश्किल ये बाजार यहाँ पर है, लेकिन बहुत शुक्रिया उसे समझने में आसान बनाने के लिए. और जैसे यहाँ पर राय मिलती हुई नजर आ रही है कि अगर आप खरीद के बैठे हैं तो कुछ मुनाफा वसूली कर सकते हैं. एक $150 से $200 की करेक्शन भी आ सकती है. अपना काम अनफिक्स में ना करें, हेज जरूर यहाँ पर करके चलें, और एक करेक्शन का ऑफकोर्स यहाँ पर इंतजार करें. अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी सोने में काफी तेजी का यहीं पर है. 2300, 2400, 2500 तक के भी लेवल्स हमने यहाँ पर बैंक्स, ब्रोकरेजेस और अपने एक्सपोर्ट्स की तरफ से आते हुए देखे भी हैं. बहुत शुक्रिया सयम, सुरेंद्र जी एंड चिराग हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और सोने पर वो 360 डिग्री व्यूज देने के लिए. इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो बात यहां पर इक्विटी बाजार की करेंगे.